गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। दोस्तों मैंने बहुत दिनों से विस्कीज के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पंजाब में लेकर सेल चल रही थी और नई पॉलिसी ने भी लागू होना था, इसीलिए टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना भी जरूरी था कि क्या क्या प्राइजेस हो चुके हैं पंजाब में और लुधियाना में। लेकिन जो मेरे भाई विस्की रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो देखना पसंद करते हैं उन्हें भी नाराज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आज कंपेयर करेंगे इंपीरियल ब्लू विस्की को एंड न्यू इंपीरियल ब्लैक विस्की को। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी सनी दत्ता जी ने और मेरे और भी कई भाइयों ने मुझे बोला कि आप कंपैरिजन वीडियोस बहुत कम बनाते हैं, थोड़ी ज़्यादा बनाया करिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बढ़िया वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि नए लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। और इन दोनों विस्कीज़ का ये फर्स्ट कंपैरिजन वीडियो होगा यूट्यूब पे जो आपको हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर नीचे छोड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों इन दोनों विस्कीज़ का कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इन दोनों विस्कीज़ का फुल एंड डिटेल्ड रिव्यू हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर आप इनकी स्टोरीज और फैक्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियोज़ के ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के बाद उन्हें भी एंजॉय कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और दोस्तों न्यू इंपीरियल ब्लू विस्की मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये टोटली न्यू विस्की है, जो पहले आती थी इसमें अब ब्लेंड इसकी बॉटल और इसकी पैकेजिंग को भी चेंज कर दिया गया है और इंपीरियल ब्लैक वैसे ही एक न्यू विस्की है। और आज के कंपैरिजन वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों विस्कीज में सिमिलैरिटीज क्या है। ये दोनों ही विस्कीज पर्नोड रिकॉर्ड की ओर से आते हैं यानी कि सीग्रम्स की ओर से, और ये दोनों विस्कीज आईबी टाइटल को शेयर करती हैं, जैसे कि ये इंपीरियल ब्लू है और ये इंपीरियल ब्लैक है। इसके अलावा ये दोनों विस्कीज एक ही डिस्टिलरी में बनती हैं यानी कि SAS नगर मोहाली पंजाब में, और ये दोनों ही 750 ml की बॉटल्स हैं। इनमें 42.8% अल्कोहल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी विद 75 proof, और इन दोनों ही विस्कीज़ का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। और पंजाब में ये दोनों विस्कीज़ आपको 400 to 530 rupees के बीच में आपको मिल जाएंगी क्योंकि अभी प्राइस जो हैं सेटल नहीं हुए हैं पंजाब में। और चंडीगढ़ में ये इंपीरियल ब्लू भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगी, लेकिन इंपीरियल ब्लैक जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये चंडीगढ़ में नहीं मिलती है क्योंकि मुझे वैसे भी चंडीगढ़ गए को बहुत समय हो गया है। और अगर ये वहाँ लॉन्च हो चुकी है और कितने में मिल जाती है ये आप मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही विस्कीज़ में सेम इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया गया है लेकिन रेसिपी का यहाँ पर डिफरेंस है। और दोनों ही विस्कीज़ में 150A आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किया गया है लेकिन इनमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज़ नहीं किया गया है। ये एक बहुत बढ़िया बात होती है किसी भी विस्की के लिए, हालांकि ये बजट सेगमेंट की विस्कीज़ हैं इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे आपको सारी जो सिमिलैरिटीज थी यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, अब यहाँ से इनके डिफरेंसेस शुरू होते हैं। डिफरेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले इनको देखने पे ही आपको इनके डिफरेंसेस का पता चल जाएगा। इंपीरियल ब्लू जैसे इसका नाम है ये कलर भी आपको ब्लू में मिलती है, इंपीरियल ब्लैक ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे बॉटल्स में हल्का सा चेंज है, ये एक नई पैकेजिंग में आ चुकी है। ये आपको ओल्ड पैकेजिंग जो थी इंपीरियल ब्लू की उसी बॉटल में आपको देखने को मिलती है, बस इसके लेबल्स और कैप के कलर का चेंज किया गया है। और आपको इन दोनों विस्कीज में देखने में और पीने में कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है आप मेरे साथ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इन दोनों विस्कीज़ को कर लेते हैं पोर, फिर करते हैं आगे की बातें। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब इन्हें करते हैं पोर, फिर करते हैं आगे की बातें। तो दोस्तों हमने दोनों विस्कीज को अब पोर कर लिया है, अब देखते हैं इनके कलर्स में क्या डिफरेंस है। अगर इनके कलर की बात करें तो देखने में दोनों का एम्बर कलर ही है लेकिन
जो इंपीरियल ब्लैक है ना, मुझे ज़्यादा डार्क लग रही है इंपीरियल ब्लू से। आपको शायद यहाँ पे कैमरा में इतना चेंज ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप नेकटाई से देखेंगे ना तो आपको हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे फील होगा। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो ये दोनों विस्कीज आपस में सेम बॉडी ही लग रही है, लाइट बॉडीड फील हो रही है ये दोनों विस्कीज। अगर कैमरा में आपको दिखेगा तो देखिए लेग्स इनकी कितनी जल्दी नीचे आ रही हैं। तो ये दोनों ही लाइट बॉडी विस्कीज हैं। तो चलिए सबसे पहले नोज करते हैं इंपीरियल ब्लू विस्की को और देखते हैं नोज पे ये क्या फील देती है। वेरी हार्श और नोज बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है नोज के ऊपर। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस विस्की को आप डायरेक्ट नोज के आगे लेके आए, क्योंकि इससे आपकी नोज सेंस जो है ना 1-2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए वो बंद भी हो सकती है, आपको और कुछ नोजिंग फील नहीं होगी। हल्की सी फ्रूटी फील हो रही है मुझे, लेकिन काफ़ी यंग भी साथ में मुझे ये फील हो रही है, क्योंकि काफ़ी हार्शनेस जो अल्कोहल की है मुझे फील हो रही है। हल्की सी ग्रेनी फील हो रही है और साथ में मुझे हल्का सा सिट्रस नोट भी मुझे फील हो रहा है, जैसे कि ऑरेंज फील होती है ना वैसे मुझे हल्का सा नोट इसमें से आ रहा है। हल्की सी मुझे यहाँ पे अर्थी फील हो रही है और साथ में मुझे काफी मेटैलिक नोट्स भी यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं नोज इंपीरियल ब्लैक को और देखते हैं ये कैसे डिफरेंट है इंपीरियल ब्लू से। डेफिनेटली अलॉट स्मूदर देन इंपीरियल ब्लू। नोज पे इतनी मुझे ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है जितनी इंपीरियल ब्लू लग रही थी। हल्की सी स्वीटनेस है इसमें और हल्की सी आपको फ्रूटीनेस भी जो है ना इसमें आपको फील होगी। यू कैन फील हनी एंड बिट ऑफ स्मोक, लेकिन पीटी स्मोक इसमें से आपको नहीं आएगी। हल्की सी फेंट सी आपको यहाँ पे स्मोक फील होगी, लेकिन वो होगी बर्नट वुड की। जी हाँ, फ्रूटी तो डेफिनेटली ये हल्की सी आपको मिलेगी और साथ में आपको मेटैलिक नोट्स भी है ना जो इसमें से आपको फील होंगे। तो चलिए अब करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं टेस्ट में ये विस्की कैसे लगती है। और सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इंपीरियल ब्लू को, क्योंकि हमने पहले नोज भी इंपीरियल ब्लू को ही किया था। जितनी ये नोज के ऊपर हार्श लग रही थी ना, उतनी ये पैलेट के ऊपर आपको हार्श नहीं लग रही है। इट्स क्वाइट स्मूदर देन इट्स नोज। और इसमें आपको हल्की सी अल्कोहल वार्म्थ तो यहाँ पे फील होगी ही, लेकिन आपको काफी स्वीट फील होगी ये विस्की। जी हाँ, आपको हल्की सी फ्रूटी फील होती है और आपको इसमें से काफी ग्रेनी नोट्स भी आपको फील होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना आपके मुंह में एक सिट्रसी नोट भी आ जाता है और एंड में आपको इसमें ना एक स्वीटनेस आपके मुंह में रह जाती है, जो आपके बर्न तो रहती ही है साथ में आपके मुंह में एक स्वीटनेस रह जाएगी जो काफ़ी अच्छा फील दे रही है इस विस्की में। डेफिनेटली ये विस्की को बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है पहले वर्जन से। ये विस्की वैसी तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये एक बजट सेगमेंट की विस्की है। इसको आप नीट कभी मत ट्राई कीजिएगा। आप इसको हमेशा मिक्स करके वाटर के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ या फिर सोडा के साथ आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसे साइड पे और करते हैं टेस्ट इंपीरियल ब्लैक को और देखते हैं ये कैसी लगती है टेस्ट में। लेकिन इससे पहले हम पैलेट को जो अपने हैं क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसे टेस्ट और देखते हैं कैसे डिफरेंट है ये इंपीरियल ब्लू से। एक हल्की सी अल्कोहल वार्म्थ है इसकी पैलेट के ऊपर, लेकिन ये विस्की साथ में बहुत ही स्वीट लग रही है और आपकी टंग पे एक टिकलिंग होगी जो आपको एक स्पाइसीनेस का एहसास करवाएगी। काफी उससे डिफरेंट लग रही है टेस्ट में यहां तक तो।
लेकिन पीने में ये विस्की मुझे हल्की सी उससे जो है थोड़ी हैवी बॉडीड फील हो रही है पीने के मामले में। फुल बॉडी में नहीं बोल रहा हूँ, हल्की सी उससे मुझे हैवी फील हो रही है इंपीरियल ब्लू से यहाँ पे। लेकिन आप इसे जो है लाइट टू मीडियम बॉडी इसे पीने के मामले में बोल सकते हैं। जी हाँ, फ्रूटी है, थोड़ी सी आपको वुडी भी फील होगी और हनी का भी आपको हल्का सा टच यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हल्के से आपको यहाँ पे मेटालिक नोट्स भी यहाँ पे फील होंगे। तो दोस्तों, मैंने इन दोनों विस्कीज़ को यहाँ पे नोज भी करके देखा और यहाँ पे मैंने इनको टेस्ट भी करके देखा और मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही विस्कीज़ पीने में काफ़ी ठीक लगी मुझे। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इन दोनों विस्कीज़ की, इनका प्राइस पॉइंट को देखते हुए। लेकिन जो हल्का सा मुझे डिफरेंस लगा वो ये था कि ये जो विस्की है इंपीरियल ब्लैक, ये हल्की सी वुडी, थोड़ी स्मोकी और आपको हल्की सी स्पाइसी फील करवाती है। लेकिन अगर मैं इंपीरियल ब्लू की यहाँ पे बात करूँ तो ये विस्की आपको हल्की सी फ्रूटी, सिट्रसी नोट वाली और थोड़े से मेटालिक नोट वाली यहाँ पे फील होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर इनका ब्लाइंड टेस्ट करूँगा तो मैं इनको नहीं पहचान पाऊँगा। अगर इन मैंने दोनों विस्कीज़ को पहले ट्राई किया हुआ है तो मैं इन्हें बहुत अच्छे से पहचान पाऊँगा कि इनमें से कौन सी विस्की इंपीरियल ब्लैक है और कौन सी इंपीरियल ब्लू है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मुझे ये जो इंपीरियल ब्लैक विस्की है ना, ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी पीने के मामले में लगी, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी झलक जो है ना ब्लेंडर स्प्राइट की यहाँ पे फील हो रही है। इसमें ये थोड़ी सी जो फीलिंग है वो लैग करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंपीरियल ब्लू कुछ बुरी विस्की है, ये भी अपनी जगह बहुत बढ़िया विस्की है। अगर आप इन विस्कीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन्हें नीट कभी ट्राई मत कीजिएगा, आप इन्हें हमेशा मिक्स करके ही पिए। और मिक्सिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया विस्कीज़ हैं, आपको अच्छी क्वालिटी की विस्की कम प्राइस में मिल रही है। आप इसे वाटर, सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ कभी भी पी सकते हैं, लेकिन ज़रा लिमिट में। ऐसा ना हो कहीं ये सस्ती विस्की सोच के आप इसकी जो है वो ज़्यादा पैग लगा जाएं, ये भी हमें दोस्तों नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने किसी और विस्की का रिव्यू देखना है या फिर कोई कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पियो करो मौजा, लो नजारे, चीयर्स, बट ऑलवेज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली।